Hello, assalamu alaikum to all YouTube viewers. चलिए आप लोगों के लिए ये next second gardening part है, second वाला. शुरुआत है ये same, ये मेरा favorite tree और ये मेरा favorite apple tree. और again आज हम garden पे हैं. दिन बहुत ही खूबसूरत है. आज का हल्की सी ठंडक भी है. और ये वही बेल है जिसके बारे में यस्टरडे मैं पार्ट वन में बात करी थी. देखिए ये ऐसी है बेसिकली. ये बहुत ज्यादा लंबी है. ये देखिए ऊंचाई वहां तक जा रही. और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को आज थोड़े से गार्डन के अगेंस्ट टिप्स. और साइड में मेरे बच्चे सूर्य भी पड़ रहे हैं. हॉलीडेज है, टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा लोग का. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बेडरूम है. ये मिडिल का विंडो है जो वॉशरूम्स है. और यहाँ पर भी एक रूम है जो बेडरूम है. और यहाँ पर मेरा डाइनिंग एरिया है. और ये वाला किचन है. और बेसिकली ये मेरा बैकयार्ड है. तो अभी इसको थोड़ा सा रेनोवेशन की ज़रूरत है. ये घर को काफ़ी पुराना हो गया. बट ऑल द वे ये मेरा पीछे का बैकयार्ड है. अगेन यस्टरडे जो आप लोग देखे थे उसी पे मैं आ गई. खैर यहाँ पर नहीं है आज, मुझे बताना आपको. ये चल रहा है गार्डन में. ये हमारे बिन्स है. ग्रीन वाला रिसाइकल वाला है, ब्लैक वाला ही वेस्ट स्टेज का है, और ब्राउन वाला गार्डन का है, कंपोस्ट का है. और यहाँ पर मेरा लड़का डिगिंग कर रहा है. देखिए ये यहाँ पर डिग हो रहा है. आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये डिग किस रीज़न से है. हम लोग इसके फार्मिंग करने वाले हैं. इसमें ऑनियंस एंड गार्लिक्स का डालना मेरा इरादा है, इसलिए ये मेहनत हो रही है. तो ये इसको डिग करना और भी है, टाइम लगने वाला है इसके पीछे. तो ये है. अगेन आज मेरे बच्चे यहाँ पर झूले पे खेल रहे हैं. चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यस्टरडे जो मैं बताई थी फ्लावर की प्लांटिंग करने वाले हैं हम यहाँ पर. तो मेरे यहाँ पर स्टोरेज में से अच्छा वाला ये एक प्लास्टिक का बैरियर मिल गया. ये माशाल्लाह से प्लास्टिक का बैरियर बहुत खूबसूरत है और ये स्टर्डी भी बहुत है. तो ये इंशाल्लाह मेरे को जो है ये गार्डनिंग में काम में आने वाला है. और इसमें तो मैं इंशाल्लाह प्लांटिंग करूँगी. सॉइल मैंने डाल के रखा है यस्टरडे और इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर जा रहा यस्टरडे से. और ये ऑलरेडी मेरे पास बैरियर्स बने हुए हैं इस तरीके के गार्डन में, क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी मेहनत पहले करे थे, अब नहीं करेंगे. यहाँ पर टाइम बहुत लगता है उसके लिए. और ये जो दो बास्केट्स थे यस्टरडे भी इसके पार्ट वन में बताई थी, इसमें हैं फ्रेश कोरिएंडर के सीड्स. तो ये ग्रो होंगे. हम लोग एवरीडे इसमें पानी डालेंगे 2 times एटलीस्ट. ये खूबसूरत सा शेड के ऊपर वाला व्यू. आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू स्काई है. और ये ग्रीन देखिए, ये एप्पल ट्री है. इसके पीछे बिल्कुल पीछे शेड है. और यहाँ पर राइट साइड पे छोटी सी, क्या बोल सकते हैं इसको, एक आई थिंक 1 meter की वाइड जितनी गली है. उसमें एक ट्री है यहाँ पर. ये भी कोई ख़ास ट्री है जो एप्पल ट्री है. इसके जो एप्पल होते इसके भी पत्ते आना शुरू हो गए. ये वाले ट्री के जो एप्पल है वो छोटे छोटे से हैं, लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, बेर जितने छोटे छोटे बेर होते, इतने इतने एक एक इंच वाले. तो ये बेर इतने अजीब है, इस वाले के एप्पल बेर.
कुछ खट्टे से सौर होते हैं, यानी किस चीज़ में यूज़ करते हैं लोग, आई थिंक सम सैलड्स एंड मोर में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरे पास बेसिकली तीन झाड़ है मेरे गार्डन में। देखिए यहाँ पर एक नेस्ट है, कौन सा नेस्ट है खाली पूरी, आई डोंट नो एक्चुअली, पिजन का, नो स्पैरोज, आई थिंक इट्स अ रॉबिन नेस्ट, रॉबिन्स, इट्स अ अबैंडन्ड नेस्ट, आई हैवंट सीन अ बर्ड कम टू दिस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक इट्स अ अबैंडन्ड नेस्ट, मंडे शी विल कम। As you guys can see that there's another nest there. It belongs to a pigeon. It comes to it every 2 days. And I don't think so there's any chicks or eggs in it. Because basically there's no eggs, you can see from the holes. ये देखिए, ये हम लोग किस तरीके से रिसाइकल वाले आइटम को यूज कर रहे हैं वाटर के लिए। सो ये है फेरी का बॉटल जिसको हम वॉश कर लिए और वाटर इसमें, तो ये पानी भी इसमें हम ऐड कर दिए। यहाँ पर मेरे बच्चे इसको एज अ टैब यूज कर रहे हैं, ये तो अच्छा टैब बन गया मेरे लोग के लिए। देखिए माशाल्लाह से झाड़ ना इतना काफ़ी बड़ा है कि नीचे गिर जाते, इसके स्टेम्स पूरे टोटल नीचे जाते रहते हैं। यहाँ पर भी मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अभी तक भी डिगिंग को, ये इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़ी देर में। और हम इसमें गार्लिक और ऑनियंस को ऐड करेंगे और आई थिंक जिंजर एज वेल, जिंजर भी मेरा इरादा है, जिंजर हम बहुत यूज़ करते हैं, जिंजर बहुत हेल्दी है आजकल के लिए, खासतन हलक में तो ऐसा मालूम हो रहा कि थोड़ी देर जाने के आने के बाद में घर को बस समथिंग इज़ देयर इन माई थ्रोट, सो आई मस्ट पुट ऑन सम जिंजर फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर ऑल्सो। चलिए यहाँ पर हम लोग कंपोस्ट का हमारा जो है फिलिंग कर रहे हैं कंपोस्ट वाला। यस्टरडे जो काम बाकी रह गया था, मेथी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, मेथी, ये कंपोस्ट है और ये मेथी ऐड करेंगे। सो सॉइल इज फिलिंग, ये रेडीमेड सॉइल है। तो ये है आज का मौसम, किसी दिन आप लोग को बाहर भी लेके जाएंगे, ड्रोन की व्यू कराएंगे, ड्रोन की व्यू भी तैयार है, बस अपलोड होना बाकी है। सो वो बाहर का एरिया है हमारे घर का, अगर गोल बॉल है आप लोगों के पास तो आप लोग भी इस तरह डालें, क्योंकि हाथ से करना नहीं है, इसलिए सॉइल जो है ना थोड़ी सी वो रहती है। एक सेकंड ना, होल्ड ऑन, चलिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूर दूर एक लाइन बनाना है गोल सी। ये भीगे हुए हैं, ये ओवरनाइट, इसको अच्छे से भिगाने के बाद में ही डालिए, भिगाएंगे तो जल्दी सीड्स जो है ग्रो होंगे, अगर आप सूखे डाल देंगे तो फिर सीड्स ना ग्रो नहीं होने वाले। तो ये बन गया इंशाल्लाह एक राउंड हमारा, और अब इस रेड, एक सेकंड होल्ड करो ना अब। चलिए वर्म्स भी तैयार है इसके अंदर ग्रो करने के लिए, हेल्प करेंगे वर्म्स एंड राना। तो ये क्यों इस तरह से कवर, ज़्यादा टैप करना नहीं है, थोड़े से अगर सैंड चाहिए तो फिर थोड़ी बैग में से डाल ले सकते हैं। वर्म डोंट नीड मच मोर वर्म्स हियर, डोंट लाइक सच। चलिए अब ये कवर हो गया, वन राउंड इसका कवर हो गया और ये वर्म को मैं निकाल दूंगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बैच है, बस इस तरह से इसको थोड़ा डिक करना है, लाइटली प्रेस करके
तो ये डिग हो गया, खुद ब खुद डिग हो गया क्योंकि सॉइल ही इतनी ज़्यादा मॉइस्ट है। ठीक से बेटा, एक सेकंड होल्ड कर सकते क्या आप? तो ये काफ़ी सीड्स मेरे लेफ्ट ओवर होने वाले हैं, ये मैं दूसरे पॉट में डालूंगी। मेथी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेथी बहुत बेनिफिशियल होती है हेल्थ वाइज और डायबिटीज़ के लिए होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ अभी तो नहीं है, बट हम लोग यूज़ में हमेशा लेकर आते हैं। और मेथी का ज़िक्र हदीस में भी है कि मेथी खाना चाहिए, तो मेथी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो मैं न्यू सॉइल डालूँगी इसमें। सॉइल में हमेशा जो मोटे मोटे जो होते हैं ना ये वाले, एक सेकंड होल्ड करते हैं, सॉइल में से ये वाले जो बड़े बड़े जो होते हैं ना सॉइल के पीसेस, सॉइल इवन होना चाहिए, इवन सॉइल, थोड़ी सी इवन होना, अगर सख्त सख्त उसमें रहे तो वो ग्रो होने में हार्डली आपका जो सीड है उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर बस ये हो गया कवर अच्छे से, बहुत सिंपल है। घर में भी अगर आप लोग के पास गार्डन नहीं है, बैकयार्ड नहीं है, तो फिर सिंपल सिंपल तरीक़े से किचन में ही छोटे छोटे पॉट्स में मेथी को कर सकते हैं। जहाँ पे भी असीस है तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एशिया में अच्छे से मिल जाता, बांग्लादेश पाकिस्तान सब ना, तो इंडिया में भी। तो हमारे यहाँ थोड़ी ये छोटी मेथी बहुत मुश्किल से मिलती है, बड़ी वाली तो काफ़ी बेहतर और जल्दी मिल जाती आजकल, पहले तो नहीं मिलती थी। और मेथी मेरी बड़ी फेवरेट है, मेथी का पुलाव भी मैं बना के हूँ अपने चैनल पे, आप लोग उसको देखिए, विज़िट करिए, बहुत आसान है। मेथी का पुलाव भी बन जाता, मेथी के पराठे भी अच्छे से बन जाते, और मेथी के बड़े फ़ायदे हैं, मेथी गोश्त आलू, ये सारे रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। तो आई थिंक हमारी ये वीडियो को जल्दी फिनिश करना है, सो ये मेरी लेफ्ट ओवर मेथी और भी बाकी है, नेक्स्ट पॉट्स में मैं इसको इंशाल्लाह ऐड करूँगी। तो ये कोई बात नहीं है, इसको मैं रखूँगी और पॉट्स फाइंड करूँगी। बस घर ही में हर चीज़ बंद है, इवन गार्डनिंग की शॉप्स भी इवन सब बंद है, तो बस घर में ही फाइंड करूँगी किसी भी रीयूजेबल या रिसाइकल वाले प्लास्टिक बॉक्सेस को, और हंट करूँगी चीज़ों को। सो आप लोग भी इंजॉय करिए, दुआओं में याद रखिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।